आज का जो ये ब्लॉग होने वाला है ये बहुत भयंकर ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि चेक दिस आउट ब्रो सेना, आज हम लोग किसके साथ ब्लॉग कर रहे हैं? सलमान भाई, सलमान सर के साथ ब्लॉग कर रहे हैं। आज हम लोग इतना एक्साइटेड है ना घर जाने के लिए, क्योंकि आज हम अनुराग को टीवी पे लेंगे। आज एक्चुअल भाई साहब भैया टीवी जा रहे, भैया हमारे अनुराग भैया बाबू भैया, हमारा भी सपना था अनुराग को देखने का जो पूरा होने वाला है। 2 दिन से वेट कर रही हूं मैं इस एपिसोड का, 2 दिन से। हमें अभी तक विश्वास नहीं यार, ब्रो सेना ने जहां तक पहुंचाया है। सो हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से, आज हम लोग जाने वाले हैं घर। सब लोग रेडी हो चुके हैं, सारा सामान पैक हो चुका है। आ भाई, थोड़ा सा बुरा लग रहा है यार, बुरा लग रहा है जाते हुए, क्योंकि हम आए पांच, कितने सारे आए थे, बस एक कम हो गया, पर जल्दी आएंगे। जल्दी आएंगे क्या? अरे ट्रॉफी लेने, 4 महीने बाद ही आएंगे। 4 महीने भी कट जाएंगे घर पे, कैसे कटेंगे दिन? सब लोग साथ में कटाएंगे दिन, टेंशन यार हम व्लॉग्स कर पाएंगे यार? गाइस बताना जरा यार कैसे होगा। फाइनली हम लोग का ऑटो आ चुका है, हम लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट है। कितने बजे की फ्लाइट है इसमें यार? हमारी 11:30 की फ्लाइट है, दुष्यंत ने लेट कर रखी है यार। दुष्यंत फ्लाइट थी ना, उससे पता चल गया ना, फ्लाइट छोड़ दी बेटा, टिकट नहीं करेगा दोबारा। हमारे बिग बॉस में जाने से पहले हमारी टिकट करा के गए कि तुम सेफली घर पहुंच जाना, इतनी चिंता अनु को हमारी। 4 महीने बाद ही होगी फिर तो हमारी फ्लाइट, अब 4 महीने बाद ही होगी, यहीं पे दिहाड़ी करनी पड़ेगी। और भैया को पता चल गया बाई चांस अंदर, तो फिर तो हम लोग सब गए, फिर तो हमने दिहाड़ी करनी है। और इधर है लेट लतीफ इंसान। हाँ भाई, फ्लाइट जाना है या नहीं जाना है? भाई तुम सब रेडी हो? हाँ दिख रहा है भाई, सब रेडी है, ये भी रेडी है, हम भी, हमारे बैग भी बाहर आ चुके हैं। भाई मेरा बैग छोड़ के आए लोग दिल्ली, तब तो लेट हो रहा हूँ। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग का ऑटो आ चुका है। गाइस फिल्म सिटी ना उस साइड है। बाय बाय मेरे भाई, बाय बाय मेरे भाई, हम लोग मिलेंगे 4 महीने बाद ट्रॉफी के साथ। 8 बज गई हूँ अभी, वहाँ नाच रहा हूँ कैसे ऐसे करके यार। आज तो भैया की गुड मॉर्निंग हुई होगी, आज तो भैया 8 बजे ऐसे करके नाच रहे होंगे भैया। पहले तो शॉक होंगे कि मैं कहाँ गया, ऐसे देखेंगे इधर उधर, पर भैया उठे होंगे 8 बजे, मुझे तो नहीं लगता ऐसे बोलेंगे बिग बॉस सोने दो बिग बॉस। हम लोग का ऑटो आ गया, अब हम लोग निकल रहे हैं एयरपोर्ट के। हम लोग की फ्लाइट है मुंबई से दिल्ली, क्योंकि हाईलेक्स खड़ी है वहाँ पर, फिर हम लोग हाईलेक्स से सब लोग जाएंगे देहरादून, फिर आपको मिलाते हैं अंकल आंटी जुलू सैंडी सब लोगों से, सब पूछते हैं उनको कैसा लग रहा है, क्योंकि भैया जा चुके हैं। थोड़ा और टाइम वेस्ट कर लो, आओ चलो चलो। सो गाइस हमने ना ऑटो बुलाया था, बट ऑटो में हम लोग का लगेज पूरा नहीं आया, तो अभी हम लोगों ने कैब बुक करी है, अब कैब आती है फिर आपको कैब में मिलते हैं। तो गाइस हमारी कैब आ चुकी है, ये भी सब लोग अब सामान शिफ्ट करेंगे इसमें, फिर एयरपोर्ट जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, इसकी वजह से है सिर्फ लेट हम सारे के सारे। जल्दी निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको सीधा एयरपोर्ट पे। हम लोग की बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने। आज हम लोग इतना एक्साइटेड है ना घर जाने के लिए, क्योंकि आज हम अनुराग को टीवी पे लेंगे, आज एक्चुअल भैया टीवी जा रहे, भैया हमारे अनुराग भैया बाबू भैया। भाई आज ना सच्ची में आज पहला एपिसोड, आज सब पहला एपिसोड है हम सब के साथ। आज ना मैं खुद कहेगा कि भैया कैसे दिख रहे हैं आज हमारे, हमको ना अनुराग का सपना पूरा होते हुए दिखेगा। हमारा भी सपना था अनुराग को देखने का जो पूरा होना, उन सब लोगों का सपना पूरा होगा जो भैया को ऊपर देखना चाहते थे ऊंचाइयों पे। घर वालों, उनके मम्मी पापा, हम लोग, ब्रो सेना, सब लोगों का जो सपना था ना, कि जिन्होंने सच्ची में शुरू से सपोर्ट किया है ना भैया को, शुरू से देखा है स्ट्रगल करते हुए इतनी मेहनत करते हुए, आज भैया को ना वो लोग टीवी पे देखेंगे ना। बाकी हर्ष भैया वहाँ आगे जाके क्यू में खड़े हुए, हमारी मां सुभाई लाइन में लगे हुए हैं, दोनों बहन भाई लड़ते रहते हैं सारा दिन यार, भाई बहन का काम है। अब तो बड़े भैया तो चले गए वहाँ अंदर लड़ने के लिए। सो वी जस्ट बोर्डेड द प्लेन, हर्ष भैया सोने लगे हैं, भूपे दी सोने लगी है, दुष्यंत पीछे, मैंने दुष्यंत को पीछे भेज दिया क्योंकि मेरी सीट पीछे थी, और दुष्यंत को मैंने प्लीज़ करके अपना आपकी सीट आगे कर दी है। मुंबई लीव कर रहा है, बाय अनलोन, जल्दी मिलेंगे, उनकी बहुत याद आ रही है। बट तो हम यहाँ से जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि दिल्ली में हमारी हाईलेक्स खड़ी है स्प्री दीदी के फ्लैट में, फिर वहाँ से हम जाएंगे देहरादून, तो मिलते हैं हमको दिल्ली में सीधे। कहते हैं जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत कुछ बयां, मिल जाऊंगा तुझसे फिर वरुण किताबों में हो जहां जिक्र तेरा। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके थे दिल्ली और हमने उठा लिया हाईलेक्स, ये स्मृति दी के घर पे थी, तो अब हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से। आज वैसे भी हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज भैया को टीवी पे देखने के लिए मिलेगा। हाँ भाई ऐसे एक्साइटमेंट तो सबकी फुल ऑन है 100%।
यार आज फाइनली भैया को देखेंगे यार, वो भी टीवी पे। भाई मजा आने वाला है, मेरे को तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ। मैंने दो दिन से वेट कर रही हूँ मैं इस एपिसोड का, दो दिन से। बहुत खुशी हो रही है, जल्दी जल्दी घर पहुँचते हैं। 10 बजे आएगा मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे आएगा 9 बजे। मजा आएगा बहुत, लोग ना पागल होने वाले हैं सच्ची में। भैया की जो एंट्री होगी ना भैया की, मुझे पता है वो सबसे भयंकर होगी। मजा आएगा लेकिन आज तो अब हम लोग घर पहुंच के मिलते हैं। अंकल आंटी ना इमोशनल हो जाएंगे भैया को देख के, लेकिन बहुत ज्यादा, क्योंकि भैया को वो लोग ना सीधा टीवी पे सोच रहे हैं। एक टाइम पे सपना होता है कि यार कभी हम लोग टीवी पे जा पाएंगे, ये वो करके टीवी पे देख के देखना अंकल आंटी तो इमोशनल। अंकल आंटी क्या, हम लोग सब इमोशनल हो जाएंगे कि भाई भैया कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बाकी मिलते हैं आपको घर वालों के साथ घर पहुंचकर। गाइस अब हम लोग अंकल आंटी से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है ना। अंकल आंटी तो रेडी भी हो गए। अंकल कैसा लग रहा है आज? चलो जल्दी, 9 बजने वाले हैं। 9 तो बजने वाले हैं, तो जैसे बिग बॉस का शो स्टार्ट होगा हम लोग बाहर आ जाएंगे। और हम लोग बहुत दिनों से वेट करो, तुम वहां पर वेट करो। आंटी इतनी सुंदर लग रही है आज, क्योंकि अन्नू को ना साड़ी पसंद है आंटी पे, अंकल भी साड़ी पहनते हैं। आपका तो स्मार्ट है ना अंकल, आप ही बताओ आज कैसा लग रहा है भयंकर भैया। आज सही बात बताऊं कि हमें अभी तक मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं तो इन सब लोगों से। अंकल मेरे को ना मेरे को मैसेज कर रहे हैं, सच में बताओ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने अंकल आ रहा है, हमें अभी तक विश्वास नहीं है यार। ब्रो सेना ने जहां तक पहुंचाया है और आगे भी सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे वो। अभी तक मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है, जब तक आंखों से सामने न देख लूं। ऐसा नहीं है कि विश्वास नहीं है, लेकिन जो चीजें हमारी सीमा से बाहर होती है, जो हमने सपने में भी नहीं सोचा था, वो चीज अगर आज हो रही है और सामने आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा संयोग है। चलते हैं आंटी, अब तो देखते हैं, अब तो आगे टीवी चलो चलो अब आप बाहर चलो, मैं भी आ रहा हूं। हां अंकल जी, बस अंदर अंदर जा रहे वाली है मेरी जान। जो ये ब्लॉग होने वाला है, ये बहुत भयंकर ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि चेक दिस आउट ब्रो सेना, आज हम लोग किसके साथ ब्लॉग कर रहे हैं? सलमान भाई, सलमान सर के साथ ब्लॉग कर रहे हैं। और गाड़ियां भी ले लें। पक्का सर, पक्का। और गाइस एक एक रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग सलमान सर से। उड़ उड़ दबंग दबंग टीकाकरण करते हैं, और आपका बेटा विजयी होकर के आएगा। और विजयी भवा अनुराग की माते, मेरी पत्नी विजयी भवा, देखना बेटा जीत के आएगा, और जीत के नहीं भी आएगा तो सीख के आएगा, देखना बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करते हुए आएगा। लो अब भाई मिठाई तो सारे बच्चे पहले लो 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 लो, सबसे पहले हमारी पत्नी जी खाएंगी। ओके पूरा नहीं ठूसूंगा यार, पता था ना मुझे ऐसे करोगे तुम। कैसा लग रहा है आपको आज भैया को? देखिए मैं तो अभी लाइव देख रहा हूँ, कभी ये सोचा नहीं था कि जिस बाइक से वो हमारे पहाड़ों के रास्तों पर चलता रहता था, कठिन रास्ते होते थे, बड़े डेंजरस और चैलेंजिंग रास्ते होते थे, और आज उन्हीं रास्तों को पार करते हुए सलमान खान सर के बिग बॉस 17 के शो में खड़ा है, तो मुझे तो पूरा विश्वास। और एक और कोइंसिडेंस बताऊं, 2017 में यूट्यूब का करियर शुरू किया था, और 17वें सीजन में भी वो यहाँ पर खड़ा है, तो मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो आगे तक जाएगा, हर चैलेंज को फाइट करके आगे जाएगा, चैलेंजेस को फेस करेगा और उनसे जीत करके आएगा। और अभी अभी जब हम लोग अभी देख रहे हैं, तो जब अनुराग का वाला आगे चल रहा था सलमान खान के साथ, तो उस समय जो रीच पहुंच गई थी वो अराउंड 30 लाख के आसपास, तो इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से ब्रो सेना ने आज से पहले साथ दिया है, वो आगे भी साथ देगी, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि वो हर चैलेंज को हर मुसीबत को फेस करते हुए आगे आएगा। घर में तो उसने खाना भी नहीं पकाया, कपड़े भी नहीं धोले, लेकिन वहां सब कुछ करेगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो उसके अंदर वो जुनून है, आगे जीतने का जुनून है, तो वो निश्चित रूप से आएगा। और एक बार रिक्वेस्ट पूरी ब्रो सेना से और सारे बच्चों के मम्मी पापा से भी, और सारे लोग सपोर्ट करेंगे, वो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, हिली एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा है, छोटी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन जिस चैलेंज के साथ हुआ बद्रीनाथ तक गया है, केदारनाथ तक गया है, लेह लद्दाख गया है, उसी चैलेंजेस के साथ बिग बॉस 17 के मंच तक अभी पहुंचा है, और आगे के चैलेंजेस को वो मजबूती के साथ जीत करेगा, उनको फेस करेगा, और उनका जो है आगे से जीत करके आएगा। यही मेरा ब्रो से कहना है कि आप हमें खूब सपोर्ट कीजिए, और थैंक यू कि आज टीवी में दिखाई दे रहा हो। और क्या बोलूं, ब्रो सेना ने बहुत सपोर्ट किया, और आगे भी यही अपील करूंगी कि आगे भी सपोर्ट करेंगे वो,
आज तक भी उन्होंने साथ दिया और आगे भी देंगे और आगे भी करेंगे। ये है कि उसके अंदर एक जुनून है कि मैंने करना है तो करना है। खाना बनाया नहीं है, कई दिनों तक खाया नहीं है, कई दिनों तक सोता नहीं है, लेकिन जब काम करना है तो करना है। इमोशनल मत हो यार, ये सब चलता है। जब आदमी घर से बाहर निकलता है तो पूरी तरह स्ट्रांग होकर के जीत करके और सीख करके वापस आता है। उसने मैंने उसे कहा था कि बेटा जीत के मत आना पर सीख के आना, वो कह रहा था पापा मैं जीत के भी आऊंगा और सीख के भी नहीं। वो चला भी गया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए वहां तक भी। अब भरोसा ने का बहुत बहुत धन्यवाद, जैसे बहुत बहुत, और आगे भी सपोर्ट करा और करते रहोगे।